लालगंज प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुर में उप मुखिया संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी के द्वारा अपने निजी आवास पर स्थानीय मुखिया राम प्रवेश सहनी तथा स्थानीय सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया की उपस्थिति में धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाई गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने होली की गाना पर थिरकते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर स्वागत किया। वहीं उप मुखिया संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी के द्वारा स्थानीय मुखिया राम प्रवेश सहनी तथा स्थानीय सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया को माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा तमाम लालगंज प्रखंड वासियों को हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने का अपील भी किया गया। लेकिन वहीं 2016 से पहले की होली को याद करते हुए सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शराबबंदी किए जाने के बाद आज हर घर में होली मनाई जा रही है। 2016 से पहले अक्सर लोग शराब पीकर रोड पर घूमते नजर आते थे तथा कई जगहों पर लोगों को झगड़ा भी हो जाता था। अच्छे लोग होली में अपने घर में बंद हो जाते थे और शराब पीने वाले सड़क पर घूमते नजर आते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार के शराबबंदी के कारण हर घर में होली शांतिपूर्वक मनाई जा रही है। हालांकि इस शराबबंदी नीति में कुछ चूक भी है। सर, सांसद प्रतिनिधि हैं और होली मिलन समारोह में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायणपुर के मुखिया जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और हमको लगता है कि यहाँ उप मुखिया जी का दरवाजा है, राजेश जी का, और उप मुखिया लोग आए हुए हैं, वार्ड पार्षद जो वार्ड है हमारे पंचायत का आए हुए हैं। सभी लोग को मैं अपने तरफ से, मैं अपने पार्टी के तरफ से, मैं हार्दिक होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। देखिये, शराबबंदी का हम लोग, हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है कि शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो होम डिलीवरी हो रहा है और शराबबंदी के आड़ में गरीब लोगों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है, दलित को, महादलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को पकड़ा जा रहा है और थाना पर गाड़ी के गाड़ी, ट्रक के ट्रक शराब लगा हुआ रहता है, लेकिन उसमें पकड़ाता कौन है? गरीब गुरबा पकड़ाता है, दबे कुचले लोग पकड़ाता है, बड़े बड़े दारू शराब का कारोबारी है जो फरार रहता है। तो आज के डेट में शराबबंदी इसलिए, मतलब सफल तो नहीं है शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी अगर नहीं होता तो आज के डेट में जो आम लोग रोड पर घूम रहे हैं वो रोड पर नहीं घूमते, औकात खरीदने वाला रोड पर घूमता और इंसान लोग घर में बैठते। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी अच्छी चीज है। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन लागू सही से नहीं हो रहा है। अफसरशाही है और बड़े बड़े शराब का कारोबारी छुट्टा घूम रहे हैं और छोटा छोटा गरीब गुरबा लोग हैं वो शराबबंदी के आड़ में पकड़ा रहा है और जेल जा रहा है। वहीं लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के मुखिया राम प्रवेश सहनी ने अपने पंचायत सहित लालगंज प्रखंड वासियों को होली पर्व के मौके पर शुभकामनाएं भी दिए तथा उन्होंने अपील किया कि लोग नशा मुक्त बने तथा बिना किसी नशा का सेवन किए शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ होली पर्व को मनाए। सर, होली मिलन समारोह में आए हैं, होली मिलन में शिरकत हुए, लोगों से क्या कहना चाहते हैं होली मिलन पे? मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग बढ़िया से बढ़िया होली मनाएं और दारू शराब का सेवन ना करें। मैं सब लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि लोग दारू शराब ना पिए और ठीक ठाक से होली मना सकते। हमारे मुखिया जी हमारे दरवाजे पे आए, सांसद प्रतिनिधि जी आए, प्लस हमारे उप मुखिया जी भाई लोग आए, वार्ड भाई लोग आए, सब लोग आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस होली पे? लोगों से हम कहना चाहते हैं कि होली बहुत बहुत बड़ा, मतलब खुशी का पर्व है, इसको बहुत बढ़िया ढंग से मनाएं और नशा का सेवन बिल्कुल ना करें, शांति बनाकर होली का पर्व बहुत बड़ा है ढंग से मनाएं।